सो हाई गाइज अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राइट नाउ वी आर हेयर इन गोमती नगर, हम गोमती नगर में हैं एंड यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए हैं। हम यहाँ पे दिन में आए थे, हमने बहुत सारी चीज़ें की और अभी शाम हो गई है, तो आप पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखो ताकि आपको पता चले, समझ में आए। सेलिब्रेशन के बीच बहुत तेज बारिश भी हुई थी, वो हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय द इंडिपेंडेंस डे। So hi guys, a very warm welcome to all of you. And a very, very happy Independence Day to all of you. और आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग पूरे शहर में घूमेंगे और देखेंगे कि लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने शहर का मुआयना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1090 चौराहा एंड हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम लोग मिठाई लेकर के जाएंगे क्योंकि हम लोग हम लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे, पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है और आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं और बाकी इंडिपेंडेंस डे से और इस इंडिपेंडेंस डे में क्या फर्क है। तो अब हम सीधे जाएंगे, पहले मिठाई लेंगे, अपनी मिठाई उठाते हुए फिर हम लोग रास्ते में वो करेंगे, दिखाएंगे आपको। और एक और चीज ये देखो, हम लोगों ने बैच लगाया हुआ है और इन्होंने मेरा बैच भी लगाया, अपना भी बैच लगाया। मेरा बैच तो बार-बार लगा रहा है। बात ये है कि इन्होंने दोनों बैच टेढ़ा लगाया इस बार। तो अब हम चलते हैं जल्दी से, अपनी मिठाई का ऑर्डर उठाते हैं। गाड़ी का ये जो आगे वाला फ्लैग है कितना प्यारा सा लग रहा है ना, हवा से इतना ज्यादा वो हो रहा है। और आज जो मतलब कि देखते हुए इंडिपेंडेंस डे को मौसम ने भी सोचा कि थोड़ा सा मेहरबान हो जाते हैं तो काफी सुहावना मौसम हो गया है। हमारे लखनऊ का तो हो गया, हमें बाकी शहर का नहीं पता भाई। और गाइस हमारी मिठाई की दुकान आ गई है बट वो उस तरफ है, रॉन्ग साइड पे, दूसरे साइड पे। तो हम लोग चल रहे हैं, अब पैदल जाएंगे यहाँ से और अपनी मिठाई लेंगे। मिठाई की शॉप का नाम अभी आपको बताते हैं। मिठाई की शॉप का नाम है बेईमान लड्डू। लखनऊ में रहने वाले लोग जानते होंगे, उन्होंने अक्सर ये दुकान देखी होगी। तो आज हम आप लोग को बेईमान लड्डू की मिठाई खिलाएंगे। ये देखो स्पीड से जा रहे हैं, फरारी लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी मिठाई पैक हो गई और हमने ऐसे पैक कराया है ताकि एक ये पकड़ ले, एक मैं पकड़ लूं। अब जल्दी से हम लोग चलते आगे। ये देखिए, ये जो है इन्होंने एक फ्लैग से गेट बनाया हुआ है, ब्रिज है ये, ब्रिज को इन्होंने कवर किया हुआ है। अच्छा लग रहा है, दूर से बहुत अच्छा लग रहा था। ये काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे साफ सफाई भी करते हुए कर्मचारी। तो गाइस हम लोगों को बैलून दिखा है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो उड़ाने वाले बैलून, मुझे उड़ाने का उसको बहुत मन कर रहा था। तो उसको चल करके देखते हैं कि कैसा है। एंड उस बैलून वाले से भले ही हम ले ना ले, उसको हम थोड़ी सी मिठाई जरूर खिलाएंगे। ये कैसे दे रहे हो आप, ये 10 रुपए का एक दे रहे हो? तो भैया आप ऐसा करो, हमें 4 दे दो, 4 पीसेस दे दो इसकी। भैया उड़ेगा ना? उड़ेगा क्या? अभी उड़ ही रहा है, अब उसमें कोई डाउट है क्या? छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। मगर यार हवा इतनी तेज चल रही है, तुम्हारा बैलून नीचे एकदम जा रहा है। अब हम लोग जहाँ जहाँ दिख रहे हैं मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। कहते हुए ये चीज पहले से बहुत ज्यादा है ना। थैंक यू भैया, आ जाओ आ जाओ। ये बैलून भी पकड़ी हुई है और कैमरा भी पकड़ी हुई है, आ जाओ आराम से। बैलून फटे नहीं, बैलून फटे नहीं, एक बैलून रह गया। हाँ। हमारी गाड़ी तो एकदम पूरा ट्राई कलर में हो गई है, बैलून भी है, झंडा भी है। हाँ शीशा बंद है, हमने छोड़ दिया भैया। अभी अगर ये फट ना जाए यार, तो आवाज ही तो करेगा, ज्यादा क्या होगा, बूम करेगा। तो हमने अपना बैलून ले लिया, जो ये पीछे हमारे पीछे मेरे सर पे है, अगर ये फूटा तो मेरे सर पे फूटेगा। और ये देखिए आप सामने लोग झंडा, ये देखिए स्कूटी पे भी लेके जा रहे हैं इधर उधर। और ये है 1090 चौराहा, ये देखिए पूरा इन्होंने रैप किया हुआ है इसको इस तरीके से। फाइनली हम 1090 पे आ गए।
ये देखिए यहाँ पे जो है बीच बीच में काउंटर है, यहाँ पे फंक्शन होगा तो ये स्टेज भी बना हुआ है। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग उतरेंगे। तो हर तरफ आपको स्कैटर्ड भीड़ मिलेगी, इधर भी कितनी ज्यादा भीड़ है ना, ये देखिए ये क्या हो रहा है गाड़ी के ऊपर। अरे कैमल राइड, कैमल भी आया। वाह ये देखिए कैमल भी आया इंडिपेंडेंस डे के दिन। यहाँ पे भी बलून्स मिल रहे हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइन से पूरा फ्लैग लगा हुआ है बड़े बड़े से। यहाँ पे लोग अपना इंस्टा चेक कर रहे हैं लाइक्स कितनी आई भैया। तो दिस इज द एरिया अबव द गोमती रिवर फ्रंट और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लाइन से यहाँ पे ऐसे देखो फ्लैग लगा हुआ है। हाँ। है यहाँ पे सब अपनी फोटोज वगैरह सेल्फी वगैरह क्लिक करा सब लोग। तो दो लोग बैठे हैं इसका मतलब 100 रुपए लगा होगा। तो ये गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर का एरिया था, अभी हम जा रहे हैं 290 चौराहे पे रुकने, अब वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस हम लोग 1090 चौराहे पे आ गए हैं और हमने अपना जो स्वीट्स का डिब्बा है वो ले लिया है। अब यहाँ पे जो मिलेगा उसको देते रहेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी का काउंटर बना है तो वहाँ पे हम लोग पहले चलते हैं, सबसे पहले उस काउंटर पे सेल्फी खिंचाएंगे और फिर आगे जितने लोग मिलते जाएंगे। काउंटर पे क्या है हाँ, और उसके बाद और जगह देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह का भी अरेंजमेंट है। सो दिस इज द स्मॉल सेल्फी काउंटर जो कि बनाया गया है सबके लिए। सेल्फी काउंटर 1090 की तरफ से, ये जो 1090 हेल्पलाइन है उसकी तरफ से। सो जो स्वीट्स हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पे, जो जो सेल्फी खिंचाता जाएगा हम उसे एक एक स्वीट देंगे, ठीक है। अभी तो आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ तो क्वेश्चन भी पूछेंगे उनसे, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से मिठाई नहीं देंगे, पहले पहले भैया को स्वीट देंगे। भैया पहले आप लीजिए। अच्छा आप ये बताइए, हमेशा इतनी भीड़ नहीं होती होगी ना यहाँ पे, आपकी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ना खुशी से मनाया जा रहा है, ऐसे पर्व से भी बढ़कर मनाया। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे होली दिवाली ईद में जितनी तैयारी लोग करते थे ना उतनी इस बार वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया आप लोग भी ले लो। हम लोग स्वीट्स बांट रहे हैं, आपको अगर चाहिए तो एक क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। आप लेना चाहती हैं? नहीं लेना, तुम्हारे लिए दूसरा है। लोगों को ये लग रहा होगा कि हम भी 1090 की तरफ से हैं, बट हम 1090 की तरफ से नहीं है। नहीं नहीं बच्चे बड़े सबके लिए, और ये मतलब 1090 की तरफ से नहीं है, हम अपनी तरफ से बांट रहे हैं। बहुत ज्यादा बादल आ रहा है, जैसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बहुत सारी बारिश होगी, बहुत तेज होने वाली है। और उधर कुछ कल्चरल इवेंट हो रहा है तो हम चलते उसे देखते हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, हवाएं बहुत खूबसूरत है। चार लाइनों से शुरुआत कर रहा हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, अमन चैन रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दे। एक बार जोर दल भाई, यहाँ पे बीच में बारिश हो गई इसलिए हमें अपनी कार में आना पड़ा। ये देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है कि हमने अपनी, अरे यार पूरा भीग रहे हैं। तो बंद करो विंडो बंद करो। देखिए सब भाग रहे हैं, कैसे दिखाया आपको, ये देखो थोड़ा सा देखो ऐसे बारिश, ये जरा सा खोलो पानी आने लग रहा है, बारिश का फोर्स देखिए, पानी पानी हो गया पूरा माहौल, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते सब इतनी ज्यादा। ये देखो यार यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी, सब गए कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ कितनी भीड़ थी, ये देखिए अभी सब लोगों को खाली करना पड़ा, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है यार। वो सब उसके अंदर, वो कैंप के अंदर सब बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था यार, शिट बारिश ने सब खराब कर दिया। हमारे बलून
हमें बैलून भी उड़ाना था, हमें अपनी थोड़ी सी एक छोटी सी कविता लिखी थी वो भी सुनाना था। तो जब तक बारिश हो रही है अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, तो तब तक आप थोड़ा सा हमारी कविता सुन लीजिए, थोड़ा सा देश के ऊपर है। ये आज तक शायरी करती थी, आज इन्होंने कविता भी लिख दी है, मगर चलो देश पे है इसलिए सुन लेते हैं। बट उम्मीद करते हैं कि आपकी कविता अच्छी होगी। अरे मतलब हमने लिखा अपने हिसाब से, आई एम नॉट अ कवि, आई एम नॉट अ शायर, बट थोड़ा सा शौक है तो शुरू करते हैं। फक्र है हमको ए वतन तुझ पे, फक्र है हमको ए वतन तुझ पे, इस मिट्टी की सरजमी से प्यार है, हिमालय जिसका ताज है, बहती गंगा की जहां धार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर लम्हा जहां खास है, दिल्ली का दिल बसता है तो लखनऊ की शाम है, जहां संगम की पावन नगरी है तो सुबह बनारस खास है, कुदरत के खजाने हैं यहां भरमार, जहां अनेकता में एकता की क्या बात है। टाइमिंग नहीं बन रही पर तुम्हारी कविता अच्छी है। देखिए कविता का संदेश जो जा रहा है ना, हाँ। वो उस पे आप फोकस करिए, अनेकता में एकता की क्या बात है, भाईचारा जहां का पैगाम है, हर एक दिल में देश के लिए जहां प्यार है, वो वतन हमारा हिंदुस्तान है, वो वतन हमारा। वाह 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 वाह। देखिए शाम आवाज। So बारिश रुकी थोड़ी सी और हम लोग घूमते घूमते, जब से बारिश हो रही थी हम लोग गाड़ी निकाल करके देख रहे थे हर तरफ, और अभी हम लोग आकर के रिवर फ्रंट के ऊपर वाला जो पुल है उस पे रुके हैं। एंड आपको दिखाना चाहेंगे कि शाम जो लखनऊ की शाम में अवध फेमस है, तो वो सच में कितनी अच्छी लग रही है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भी दिखाया, प्लस शाम अवध भी दिखा रहे हैं। ये लखनऊ की शाम है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ये शाम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है जब ये फ्लैग साथ में आ रहा है। अब जो है हमारे पास जो थोड़ी सी स्वीट्स बची है तो हम वो यहाँ पे बांट के जल्दी से खत्म कर देते हैं, और उसके बाद जब बारिश रुकी हुई है तो हम अपने जो 4 अदद बैलून रखे हुए हैं अपनी गाड़ी में संभाल के, उनको भी यहाँ पे आजाद कर देते हैं, फिर जल्दी जल्दी घर चलते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज का वीडियो जो था, हमने बस घर से ये सोचा था कि हम निकलेंगे और जहाँ जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ जाएंगे। तो जैसा भी लगा आप वीडियो बताना, एंड हम आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कोई सजेशन हो कॉमेंट करके बताना, बता सकते हो। टिल देन अपना ख्याल करो, एंजॉय करो, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।